छाता विधानसभा प्रत्याशी सुपुत्र ठाकुर अतुल सिसोदिया ने छाता में किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। छाता रविवार को छाता में पुराना सिनेमा हॉल के निकट पूर्व मंत्री व प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र ठाकुर अतुल सिसोदिया ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहारी जी क्रिकेट क्लब संगठन के कार्यकर्ताओं ने ठाकुर अतुल सिसोदिया का माला व स्वाफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं ठाकुर अतुल सिसोदिया ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश व क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। छाता क्षेत्र में एक मार शुगर मिल पूरे 5 साल में चालू नहीं हो पाई है। वहीं बाबा जी मुख्यमंत्री से विधानसभा में झूठी घोषणा शुगर मिल की कारवाना किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आने वाले समय में सभी छाता क्षेत्र का युवा किसान छाता क्षेत्र में बीजेपी को हराने का काम करेगा। सपा रालोद गठबंधन की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले छाता शुगर मिल को चालू करवाया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर वीर सिंह सभासद रामवीर सिंह, केशव लंबरदार, रामहेत, परशुराम मेंबर, नवीन, विष्णु ठाकर आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं अतुल सिसोदिया ने सपा व रालोद गठबंधन के लोक संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज यहाँ चैती तहसील छाता में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है आपने, इसके बारे में बताइए। आज हमारे ये गोरक्षा दल और राजपूत एकता संगठन के सभी साथियों ने और मिलकर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया और मुझे बतौर मुख्य अतिथि इसमें आने का मौका मिला। मैं यहाँ मौजूद सभी नौजवानों को और सभी उपस्थित साथियों को उनको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और इन नौजवानों के आगे भविष्य के लिए इनकी कामना करता हूँ कि ये लोग बहुत आगे बढ़ें। और ये टूर्नामेंट जो आज आयोजित हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से और जैसा पहले भी होता रहा है कि छाता के अंदर में इस तरह के बड़े टूर्नामेंटों को होस्ट करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ। छाता क्षेत्र की एकमात्र शुगर मिल जो है बंद पड़ी हुई है। वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने जो घोषणा करी थी, करवाई थी बाबा जी मुख्यमंत्री से विधानसभा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा ही स्पष्ट एक चीज़ होती है कि जिस व्यक्ति जिसने शुगर मिल को बंद कराया हो वो उसको दोबारा चलवाने की कभी भी मंशा नहीं रख सकता। उजड़े 5 साल निकलने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसी मंशा नहीं दिखाई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार यहाँ पर 19 बार मथुरा में आगमन हुआ और छाता में हमारे यहाँ बरसाने में भी आगमन हुआ, तो मौजूदा मंत्री जो हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समय छाता का, उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री जी के सामने इस तरह की मांग नहीं उठाई। और जब तक ये मांग उठेगी नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठेगा, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने अपनी कभी मंशा ही नहीं दिखाई, वो चाहते ही नहीं है कि ये शुगर मिल दोबारा से शुरू हो। पर मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में घोषणा भी की गई थी, वो खाली घोषणा है और उन्होंने कहा कि हमने अनुपूरक बजट में इसका प्रस्ताव किया है, जबकि अगर डॉक्यूमेंटेशन देखी जाए तो उसके अंदर में कहीं भी छाता शुगर मिल का नाम नहीं है। पिछले दिनों यहाँ धरना हुआ था, उसमें लोगों ने उस कागज़ों को दिखाया भी कि उसमें छाता शुगर मिल का कहीं नाम नहीं है। और अनुपूरक बजट जो होता है वो किसी भी तरीके से एक धन आवंटन का विषय नहीं होता, उसमें एक प्रस्ताव किए जाते हैं कि हम लोग इस तरीके से करा जा सकता है बजट का। तो लेकिन और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया था कि अगर गन्ना होगा तो चलाएंगे वरना एथेनॉल का प्लांट लगाएंगे। तो जब गन्ना तो किसान तभी पैदा करेगा ना जब उसको ये उम्मीद होगी कि यहाँ पर शुगर मिल चालू होने वाली है, शुगर मिल का कुछ काम शुरू हो गया है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा।